Right, so you're watching video. Welcome back to our channel. And after so long, mummy G's on my channel intro में ही ऐसा feel कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है. मम्मी पता मुझे क्या कहती? कह रही 1.5 साल हो गया. बाहर जा के पता नहीं बड़ी-बड़ी videos बनाते रहते हैं घर पे. मैं कहा घर पे बनाएंगे ना. जब ये food challenges करता था तो मुझे लेता था. अब भी ये जब भी food challenge करता है तो बाहर जाके करता है. मुझे लेके नहीं जाता. Actually हम बड़ी-बड़ी planning करते हैं. मैंने कहा जब मैं घर पे फिर से video बनाऊंगा it should be a banger ना. तो आज मम्मी मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियल वर्सेस फेक ब्रांड पे. लाइक मार्केट में बहुत सारे रियल ब्रांड्स होते हैं और उनकी कॉपी होती है. जैसे 80,000 का एक जूता होता है जॉर्डन का, उसका सरोजनी नगर में जॉर्डन मिलता है 250 रुपए का. सबसे पहली आइटम जो है वो है ग्रीन लेस. जैसे ये देखो आपके सामने पड़े हैं ग्रीन अनियन लेस 10 रुपए वाले, हम सबके फेवरेट. वैसे मम्मी मार्केट में और पता कौन से आते हैं? बेवर पन्ना चिप्स. डिटो सेम भाई. लेस 10 रुपए का और हमारा देवर पन ये है 5 रुपए का. और अगर आप सोच रहे हो ये एक लौती कॉपी है तो ऐसा नहीं है. ये देखो हमारे पास एक और है डायमंड चीफ्स. खा लो भाई, लिटरली मैं बता रहा हूँ हम कहाँ जाके एक कम से कम एक महीने से ये सारी चीजें इकट्ठी कर रहे हैं. और आज की वीडियो में ऐसी डिफरेंट कॉपीज हम देखने वाले हैं. बट सबसे पहले मम्मी टेस्ट करते हैं और देखते हैं क्या ये डायमंड और देवर पन लेस अच्छे हैं भी या नहीं, या फिर कॉम्पिटिशन में है नहीं. क्या पता कॉम्पिटिशन में हो. आओ टेस्ट करें यार. लेस मैं भी पहले लेजी थे. लेस तो लेजी है ये तो हमें पता ही है. एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए. सेम लगा मेरे को. सेम लगा बिल्कुल सेम है यार. एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है ये थोड़ा लेस में थोड़ा स्वीटनेस ज्यादा है, मतलब क्रीम जो है वो ज्यादा है इसमें. क्रीम कम है बट ये क्रिस्पी बहुत है. तो डायमंड भी टेस्ट कर लेते हैं. मम्मी मेरे हाथ से खाओ यार, इतने बड़े बड़े देख ना डायमंड. तो मेरे लिए लेस तो ऑब्वियसली नंबर वन है. बट देवर पन जो है इट्स वेरी गुड. मेरे को ये लेस के टक्कर का लगा, बस क्रीम का थोड़ा फर्क लगा, बाकी डायमंड तो बहुत पीछे. तो इन दोनों में से विनर है देवर पन. यू गाइस कैन ट्राई इट. यहाँ से चलते अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट पे. लेट्स गो. ऑलराइट, तो मैं नीचे आ गया था और मेरे को मिला मेरा सब्सक्राइबर अर्चित. और आज मैं इसके साथ रियल वर्सेस फेक ब्रांड चैलेंज करने वाला हूँ. स्नीकर खाई है सबने? खाई है स्नीकर, सभी खाई है. तो ठीक है, ये है हमारी नॉर्मल स्नीकर, ठीक है. ये है उसकी कॉपी ब्रेको, ठीक है. तो अब तेरे को क्या करना, अपनी आंखें बंद करनी है. मैं टेस्ट करा हुआ, तेरे को डिफरेंशिएट करना है. अगर तूने डिफरेंशिएट कर दिया तो तेरे को 500 रुपए का कैश प्राइज इनाम, ठीक है. कर लेगा? पहले ये टेस्ट कर. आ ठीक है, खा लिया, चला गया टेस्ट. अब ये दूसरी का. तो फर्स्ट वाली स्नीकर है या सेकंड वाली स्नीकर है? दूसरी वाली. गलत भाई, फर्स्ट वाली स्नीकर थी, सेकंड वाली ब्रेको थी. अरे इतनी जल्दी, मतलब मेरे को लगा डिफरेंशिएट कर पाएगा. बट कोई नहीं अर्चित, इसका ट्यूशन का टाइम था, हमने इसको रोक लिया. बट तू इस बार 500 रुपए नहीं जीता, बट तू पूरी स्नीकर जीत चुका है. स्नीकर खाओ, एंजॉय करो. ओके, तो नेक्स्ट रियल वर्सेस फेक में हमारे पास है डेरी मिल्क. और डेरी मिल्क की चचेरी बहन डेरी रिच. मम्मी को मैंने सामने रख रहा था. मम्मी अबे ये तो सेम है. मम्मी सेम तो है, बट डेरी मिल्क इज ऑफ 10 रुपीज एंड डेरी रिच इज जस्ट ऑफ 5 रुपीज. एंड मम्मी नाउ यू आर गोना टेस्ट डेरी रिच. वाओ, ऐसे लग रहा है इसके अंदर कुछ प्लास्टिक है. ओहो, ये देख लो पहले तुम एक बार सारे जाने डेरी मिल्क और डेरी रिच. वो साइज छोटा है, ये साइज बड़ा है. हाँ. जो नकली चीजें है वो बड़ी मिलती है. क्योंकि लोग कहते हैं कि जो बड़े ब्रांड्स होते हैं वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और जो छोटे ब्रांड्स होते हैं वो कम पैसे कमा रहे हैं. तो मम्मी टेस्ट डेरी रिच. इट इज रिच इन डेरी भाई, बहुत ही ज्यादा हुआ है. स्मूथ हल्की लोकल फील है ना. डेरी मिल्क है यार इसका. नो डाउट, मतलब डेरी रिच नॉट रिच इन टेस्ट. एंड डेरी मिल्क वेरी फेवरेट. तो गाइस कमेंट सेक्शन में बताओ कभी आपने डेरी रिच खाई है या नहीं. ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास ड्रिंक्स. भाई लिटरली हमारे पास माउंटेन ड्यू है, उसकी कॉपी जाल्टा. फिर हमारे पास लिम्का है, उसकी कॉपी जाल्टा. फिर हमारे पास फैंटा है, उसकी कॉपी जाल्टा. अच्छा फैंटा ये, जाल्टा ये. भाई इतनी सारी सेम कलर में जाल्टा ने सारे फ्लेवर निकाल दिए. सारे फ्लेवर उन्होंने बोला पीछा ना छोड़ूंगा, जो भी दुनिया में वो करूंगा. तो मम्मी अब क्या करते हैं, आप टेस्ट करवाओ मेरे को और मैं गेस करके बताता हूँ कि टेस्ट में कौन सा फर्क है, ठीक है. इसकी आवाज आ रही है ओरिजिनल ही होगी. यहाँ पर सब अंधेरा अंधेरा क्यों है भाई? ये तो ओरिजिनल लिम्का है.
बिल्कुल गलत। क्या बात कर रहे हो, अबे इसमें लिमका का क्यों टेस्ट है भाई? साहब मेरे को तो ये माउंटेन ड्यू सच्ची लिमका लगी यार, पहले ही गलत हो गया। भाई फिज तो जैसी आवाज आ रही है ना, बिल्कुल ओरिजिनल आवाज आ रही है, मजाक से हट के लो। ये मेरे को ना भगवान कसम वॉना भी फैंटा लग रही है, ये जाल्टा है। जाल्टा हाँ, नहीं है, जेन्युइन फैंटा है। और क्या, जो ओरिजिनल थी उसको नकली बोल दिया, जो नकली था उसको ओरिजिनल बोल दिया। मेरे को पता ही नहीं चल रहा भाई, कसम से यार, कौन सा टेस्ट चल रहा है कौन सा नहीं भाई। ये बिल्कुल टेस्टलेस है भाई, दो में से दो गलत यार, मतलब व्हाट इज दिस यार। भगवान प्लीज ठीक करना भाई, इसमें तो ओरिजिनल लिमका की स्मेल है यार। अब मेरे को ये मत कहना कि ये गलत है, ये 100% ओरिजिनल लिमका है, कुछ मतलब कोई इसमें वो ही नहीं है। अरे यार बाल क्यों छेड़ रहे हो मेरे? क्योंकि तेरे बाल मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। अरे मेरे बाल इसलिए अच्छे हैं क्योंकि मैं यूज करता हूँ वाओ स्किन साइंस के हेयर प्रोडक्ट्स भाई। उसके हेयर ऑयल से 3 बार चंपी करता हूँ हफ्ते में, एकदम मजे से। उसका शैम्पू यूज करता हूँ, फिर कंडीशनर यूज करता हूँ, जिससे मेरे को वो प्रॉपर बालों में जो स्ट्रेंथ चाहिए होती है ना, वो उसमें हेल्प करता है। उसके बाद मेरे बालों में एकदम शाइन आ जाती है, एंड मेरे बाल जो है ना भाई एकदम सेक्सी से हो जाते हैं, देख रहे हो भाई। जो वाओ का हेयर ऑयल है ना, वो रिच इन विटामिन्स है और उसके अंदर ब्लैक सीड हेयर ऑयल है, जो मेरे हेयर को ग्रो करने में प्रमोट करता है नेचुरली। जो ऑयल है ना वो क्विकली अब्सॉर्ब करता है हमारे स्कैल्प के अंदर। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, Fukrainsand20 कोड अगर आप यूज करोगे तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। बी वाओ नेचुरली, गो गाइस परचेस करो। यहाँ से चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोडक्ट पे। कैसी लगी है? मुझे बहुत अच्छी लगी है ये। ओके तो हमारे पास है ये 2 सब्सक्राइबर्स, हमारे दोनों बच्चों को 100-100 रुपए जीतने हैं, ठीक है मेरे से। देखो ये हमारे क्रैक्स कर्ल्स, तो ये है उसके छोटे भाई कर्व्स डायमंड के, मतलब कॉपी है, नकली वाले। ये रियल ब्रांड है, ये फेक ब्रांड है। अब तुम्हारे को आंख बंद करके टेस्ट करके बताना है कि कौन सा ओरिजिनल है, ठीक है? बता दोगे? आर यू रेडी गाइस? आंखें बंद है? चलो टेस्ट करो पहले। ठीक है कर लिए पहले टेस्ट, अब ये ले दूसरा टेस्ट कर। दोनों को अपने हाथों से खिला दिया है, अब तुम्हारे को बताना है पहला वाला क्रैक्स कर्ल्स है या दूसरा वाला क्रैक्स कर्ल्स है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहला वाला ये। वाओ कांग्रेचुलेशंस दोनों बच्चों, जीत गए तुम, यहाँ से 100-100 रुपए का इनाम, क्या बात है। हाँ सही में, ये लो और ये तेल ले क्रैक्स कर्ल्स, और तेल ले जुड़वा भाई क्रैक्स कर्ल्स, खाओ 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 खाओ। यहाँ से चलेंगे नेक्स्ट प्रोडक्ट्स पे। मैगी मैगी मैगी, प्यारी बचपन की दुलारी मैगी, ठीक है? इसको भी नहीं छोड़ा गया भाई, इसको भी नहीं छोड़ा गया, ये देख रहे हो। मैं खुद हैरान हूँ, मैगी का भी कोई, और मेरे को तो आज तक ऐसा लगा था मैगी का नकली वर्जन यूपी है। सॉरी गाइस, बट मैगी का हमारे पास दूसरा वर्जन है जो है रफान, रफान के मसाला नूडल्स। एंड भाई तुम ये देखो, लिटरल कॉपी, बिल्कुल सेम, डिटो 100% कॉपी। पर दोनों चीजें जो है ना ये बना के खाने वाली है, पर अगर आपको चाहिए रेडीमेड मामला तो मेरे पास एक और कॉपी है, चाइनीज नूडल्स ओते। जाओ टेस्ट कर लो, ये मैगी थोड़ी है, देखना इस पे लिखा है चाइनीज नूडल्स, और ये कुरकुरे अंदर। मेरे को लगा मैगी का नकली वर्जन है भाई साहब, लिखा तो चाइनीज बना, देखना मैगी बनाई हुई है पूरी थैले पे, और मैगी और लिखा हुआ है चाइनीज नूडल्स, और नीचे से अंदर क्या निकल रहा है, फुक्के। फुक्के। तो मम्मी कौन सा टेस्ट करोगे, मसाला मैगी या रफा मसाला नूडल्स? दोनों कर लेते हैं। तो चलो गाइस इसको बनाएं, लेट्स गो। मसाले में ही फर्क है, ये देखो वो मसाला अलग है, ये अलग है। एक बात बताओ मम्मी, मैगी कौन सी है, रफन कौन सी है? मैं गेस करूं? ये रफन है, क्योंकि इसके अंदर ना वो पास्ता जैसा स्पाइरल बन रहा है, मैगी में नहीं बनता। गाइस मैगी लवर, ऑलराइट गाइस फाइनली इट्स टाइम वी टेस्ट मैगी वर्सेस रफन, और मम्मी खाएंगी रफन, मैं खाऊंगा मैगी। इतनी तेज है, पहली खा ली मैगी। मसाले नहीं अच्छे, मेरे को बाकी अच्छी है, और कच्चे हल्दी की स्मेल है इसमें मसाले में, और मैगी तो सबको ही पता है, तो मैगी मैगी मैगी। अब मैं खाऊंगा मैगी, मम्मी खाएंगी राफन। तो गाइस यहां से चलते अपने। ओके तो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारी बचपन की फेवरेट मम्मी जेम्स, टॉय निकले। रखो मम्मी खुल गई जेम्स, हमने डाल दी जेम्स। तो आपको पता है जेम्स से पहले भी कुछ आया था, M&M, ये ओरिजिनल था M&M मेरे हिसाब से। भाई कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना इफ आई एम रॉन्ग, करेक्ट करना मेरे को, बट मेरे हिसाब से जेम्स हमने शुरू करी, बट इससे भी पहले फॉरेन में आई थी M&M। हमारे पास उसका भी सबसे सबसे सस्ता वर्जन है, पता है क्या नाम है इसका? फन जियो चोको। अंबानी जी ने
जियो के नाम से चोको जेम्स भी निकाल दी, देख रहे हो ये है, देखना कितनी सी। तो मम्मी सबसे पहले आप यही टेस्ट करो, अंबानी जी की जियो। बहुत ही अजीब टेस्ट है, उठ के चली गई। फिर आती है हमारी जेम्स। जेम्स तो जेम्स यार, बचपन से फेवरेट। बट आज हम टेस्ट करेंगे M&M। मैंने बहुत कम M&M खाई है, बट लेट्स सी। दोनों ही बहुत इम्मी यार, दोनों जाने बोलने वाले हैं। मम्मी 3-2-1 जेम्स। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कंटेस्टेंट है रोहित भैया। हेलो रोहित भैया, कुरकुरे तो खाया ना आपने? हाँ जी सर। तो आपको पता क्या करना है, देखो ये दो है, एक है कुरकुरे और एक उसका भाई चुलबुले। ये ओरिजिनल है, ये उसका कॉपी है। आंख बंद करना है, कुरकुरे टेस्ट करना है, और आप मतलब इनमें मैं आपको टेस्ट कराऊंगा, फिर आपको बताना कि ये कुरकुरे कौन सा चुलबुल है। जीते तो 500 रुपए नाम, ठीक है? चलो आंखें बंद कर लो, आ करो, आ करो, आता दो ना, आ करो, आ, मैं खिला रहा हूँ ना, ठीक है? खा लिया, ये लो। कौन सा है, फर्स्ट या सेकंड कुरकुरे, असली कुरकुरे? फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले, यू आर राइट, कॉन्ग्रेचुलेशंस रोहित भैया, फाइनली 500 रुपए तो आपके लिए पार्टी। यार नेक्स्ट चीज ना बहुत बहुत ज्यादा मस्त है। मतलब किंडर जॉय बच्चों की फेवरेट होती है ना, किंडर जॉय का सस्ता वर्जन मोटू पतलू। ये तू खाएगा ये? मैं नहीं, नहीं नहीं, मम्मी इसके लिए भी एक चैलेंज होगा। क्या बताओ किसमें कौन सा है? पिछली बार मैंने ये लिया था, इस बार ये लिया। वो दिख रहा है साफ साफ, इसलिए लोगे। ये तो न्यूटेला वाली जो चॉकलेट है उसका कॉपी वर्जन है, इसमें सिर्फ स्पून होता है भाई, महंगी चीज 40 रुपीज, ये ओनली 5 रुपीज। सिर्फ 5 रुपए की है? ओ, ये देखो चॉकलेट लगा लिया मैंने, ये तो न्यूटेला वाली डिप्स आती है वैसी है। एक मोटू पतलू में चॉकलेट खत्म हो गई। 5 रुपए के हिसाब से बहुत सही है भाई, आप भी टेस्ट करोगे भाई। अच्छी है स्टिक्स, क्रिस्पी। हाँ 5 रुपए के हिसाब से सच्ची अच्छी है। बट यू नो व्हाट, किंडर जॉय का कोई मुकाबला नहीं। गाइस प्लीज हिट लाइक फॉर किंडर जॉय, कर दो। ओके, तो नेक्स्ट हम मौका देने वाले हैं भैया को। आज तक हम हमारे यहाँ पर आके सिर्फ खाया पिया और अलग अलग चैलेंजेस कराए, आज इनको एक चैलेंज देने वाले हैं। आपने डार्क फैंटेसी तो देखा है, सबने देखा होगा डार्क फैंटेसी, ठीक है? ये है उसका सस्ता वर्जन, डार्क ब्रावो। देखो जैसे ये इसकी एक बड़ी है, मतलब एक ही बड़ा बिस्किट है, इसके अंदर एक पैकेट में 3 बिस्किट है। आपको बस टेस्ट का मतलब खाना है, मैं एक चीज खिलाऊंगा कोई, आपको बताना डार्क फैंटेसी है या डार्क ब्रावो है। आंखें बंद कर लो, आ करो, आंखें मत खोलना, ठीक है? दूसरा खिलाऊंगा फिर आपको डिफरेंस बताना है, आंखें बंद रखना। चलो टेस्ट करो, आपने बताना फैंटेसी जो है डार्क फैंटेसी फर्स्ट वाला था या सेकंड वाला। 500 रुपए का सवाल आपकी स्क्रीन पर, ये रहा अमिताभ बच्चन। हाय, दोनों सेम थे? नहीं है, दोनों सेम तो नहीं है। आपको ये बता रहा है फर्स्ट है या सेकंड है, भैया से डिफरेंस नहीं बताया जा रहा। सेकंड वाला है वो डार्क फैंटेसी फर्स्ट वाला। ये भी गलत, डार्क फैंटेसी फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला था डार्क ब्रावो। आप आज यहाँ से 500 रुपए तो नहीं जीतते, आप क्या जीतते हैं, डार्क ब्रावो का पूरा डब्बा हमारी तरफ से, और जो फैंटेसी है वो भी खा लो। यार क्या यार, इतना छोटा सा नहीं हुआ है भाई। नेक्स्ट चीज है ना मम्मी, वो इतनी डिफरेंट है। सुबह से इतनी गंदी गंदी चीजें, मम्मी कह रही है मैं फेक चीजें नहीं खाऊंगी, मैं सिर्फ रियल खाऊंगी, तू फेक का। चलो कोई नहीं, स्टोन पेपर सीजर कर लेंगे, ठीक है? बट नेक्स्ट चीज देखो, ओड़ाओ भाई, इसमें फर्क बता दो। पल्स, दोनों ही पल्स है नी? हाँ। ये नकली है, ये पल्स नहीं प्लस है। भाई ये देखो, ये प्लस है, TLUSE। अच्छा। और हाँ। ये है TULSE, ये ओरिजिनल है भाई, तुम खा जाओगे प्लस तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तो गाइस बी वेयर, मैं जनरल बता रहा हूँ, तुम्हारे को देखना पड़ेगा भाई खाने से पहले कि कौन सी है। मम्मी तो आप ओरिजिनल टेस्ट करोगे या नकली? और पहले स्टोन पेपर सीजर हो जाए, कौन ओरिजिनल खाएगा कौन नकली खाएगा। मैं ओरिजिनल खाऊंगी। स्टोन पेपर सीजर, चलो कोई नहीं, आप ओरिजिनल खाओ, मैं नकली खाता हूँ। मुझे ओरिजिनल का टेस्ट पता है काफी अच्छा। मैं ऑरेंज खाऊंगी। आई आई स्वेयर मैं सब खा लेता हूँ, पर ये बहुत बुरी है, ओरिजिनल पल्स के तो आसपास भी नहीं है भाई। और वही है, पल्स 1 रुपए की है, ये 50 पैसे की है। और ये कैसी लगी ऑरेंज?
पल्स तो पल्स ही है यार, बट मतलब ये वाली तो बहुत ही बुरी थी यार प्लस। तो गाइस मम्मी कैसे, मम्मी ना पता क्यों टेंशन में आ रही है, क्योंकि अब जो टॉफी है वो मम्मी की फेवरेट है, मतलब जेली, जस्ट जेली जो ये है एल्पेनलीबे की, ये मम्मी की फेवरेट है। आज हम उसकी डुप्लीकेट लाए हैं जिसका नाम है जेली बेली। भाई साहब ये देखो दोनों का फर्क, भाई मम्मी ना पहले दोनों देख ली, मम्मी कह रही है इसमें से असली कौन सी नकली कौन सी है, तो मम्मी कौन सी टेस्ट करोगे, रियल या फेक? रियल। सॉरी आप देखो ये रियल है, ये सॉरी ये रियल है ये फेक है, अब मैं छुपाऊंगा ठीक है अपने हाथों में, अब आपको जो चूज करोगे वो आपकी, बताओ राइट या लेफ्ट? राइट। ये नकली। ये लो जी जस्ट जेली, लग तो अच्छी रही है, देखने में तो अच्छी लग रही है, और ये नकली, ओ ओरिजिनल सॉरी नकली तो मम्मी खा गई। ठीक है नॉट बैड, नॉट भाई फिर पक्का अच्छी है, क्योंकि मम्मी जो ठीक ठीक होती है उसको बुरा कहती है, अच्छी को ठीक ठीक कहती है, तो ये पक्का अच्छी होगी, मतलब 70% तक सिमिलर है ना, बट नाइस। यहाँ से जो अगली चीज आने वाली है ना वो होगी खतरनाक, लेट्स गो। ओके तो आवर लास्ट प्रोडक्ट फॉर द डे इज नन अदर देन आवर मंची मंची, और उसके साथ हमारे पास कॉपी में क्या है, नाम क्या है इसका? स्नैक ब्रेक। मंच और पर्क दोनों की कॉपी सी है, क्योंकि पर्क का तो कलर भी सेम होता है ना ब्लू। ठीक है तो गाइस लेट्स टेस्ट इट। एक के रेट में दो मिलती है भाई, ये देखो अभी मैं बताता हूँ कैसे, ₹5 में इतना सा गाइस, ये ₹5 की है ना, और डबल मिल रही है एक और है, तो इसमें वो चॉकलेट लगाना भूल गए, क्रंची क्रंची दे दी चॉकलेट लगा रही भूल गए। टेस्ट मैं मंच टेस्ट करता हूँ, आप ये टेस्ट करो स्नैक ब्रेक, मैं भी करता हूँ स्नैक ब्रेक, दोनों करते हैं, पर मतलब नॉर्मल क्रंची है, टेस्ट नहीं है कोई की है, नहीं मीठा है नहीं, बट मंच तो टेस्ट मंच। तो गाइस लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, क्या आपने कभी भी ये स्नैक ब्रेक देखी है और या टेस्ट करी है तो मेरे को बताना। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वाओ से ऑर्डर करना मत भूलना, और विद एवरी वाओ ऑर्डर आपको मिलते हैं बेबी पाउचेस ऑफ सीड्स, जिसको आप प्लांट करके अपना बेबी प्लांट रख सकते हैं घर पे, सो बी वाओ नेचुरली।